गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और वैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो मेरे पीछे कम ही नहीं रहे हैं। एक साइड में ना करंट आ रहा है जा रहा है, करंट आ रहा है जा रहा है, और मैंने बाहर ना कपड़े डाले थे, शायद वो नीचे गिर गए, पता नहीं क्या हुआ उनका। ये देखो यहाँ पे बाहर डाले थे, नीचे नहीं गिरे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ पानी भरूँ करके, ताकि पानी का पानी कम ना हो। करंट नहीं तो अब भी आया था, करंट अभी गया है। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कल। फ्लॉल वाला कल एडिट करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अभी डाल रही हूँ मैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अभी सोच रही हूँ कुछ काम करूँ करके मेरा। मैं कब से मतलब आज सब कुछ काम ना बहुत जल्दी हो गया था, तो कब से मैं स्टडी कर रही थी, आधी तो हो गई है। इतनी बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ब्लैंकेट लेके सो जाऊं करके, पर नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, काम करूंगी। तो आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। कुछ ऑर्डर किया था जो आपको दिखाऊंगी अभी, मेरा पार्सल इसे खोलते हैं यानी कि अनबॉक्स करते हैं। ओके आया, ये देखो ये, और अरे यार मैंने दो ऑर्डर किए थे, एक ही आया। मैंने ना दो ऑर्डर किए थे पर एक ही आया। एक ही मैं दिखाती हूँ, तो तब तक मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ एक ही क्यों आया करके। और ये है टॉवल, छोटा सा ये रहा टॉवल, और इसमें आता है एक स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ धोने वाला ब्रश, एक फोक और एक स्पून। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एक क्यों मंगाया है करके। ये मैंने इसीलिए मंगाया क्योंकि अगर मैं कहीं जाऊँ तो मैं एक कटलरी सेट लेके जाऊँ कहीं किसी भी जगह पे जाऊँ, तो ताकि मैं खुद का स्पून और खुद का स्ट्रॉ यूज़ कर सकूँ। और अभी तो स्ट्रॉ पे बैन लग चुकी है, फिर भी खुद का कटलरी सेट होना एक बहुत ज़रूरी है। ये बस एक स्टेप है एनवायरनमेंट को बचाने की। अगर कहीं भी आपको प्लास्टिक स्पून दिया तो मैं तो आप खुद का स्पून यूज़ करके खा सकते हैं। तो इस तरह से आता है, आप ये आपके पॉकेट में डाल के लेके जा सकते हैं, नहीं तो आपके बैग में तो डाल के लेके जा सकते ही हैं। ऐसे देखा जैसे सिस्टमेटिक और प्रेजेंट ही आया था वो। तो अभी ना मैं उस फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को कॉल करती हूँ क्योंकि मैंने दो मंगाए थे मादी और मेरे लिए, पर मेरे पास एक ही आया है, देखती हूँ कॉल करके। फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का उसका ना फ़ोन तो नहीं लग रहा है, आइटम्स ना रिटर्न में डाले हैं, और मैं फिर से ऑर्डर करूँगी, देखते हो उस टाइम होता है क्या नहीं, दोनों एक साथ आते हैं क्या नहीं। मेरे साथ ना ये पहली बार हुआ है ऐसा, वो भी फ्लिपकार्ट के साथ, कि मैंने कुछ मंगाया और एक नहीं आया। देखते हैं कैसा, जब वो रिटर्न लेने के लिए आएगा ना तब देखते हैं क्या बोलता है। मैंने तो डाल दिया है कि प्रोडक्ट इज़ मिसिंग करके, देखते हैं कैसे होता है जब वो आएगा रिसीव करने के लिए तब। अभी ना टाइम 11 बज चुके हैं और सोने की तैयारी चल रही है। ये देखो इस तरफ, देखो इस तरफ,
ये मैंने सारे नोट्स है ना ऐसे फैला के रखे हैं, ऐसे फैला के ना स्टडी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। पता है आप कितने लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, पर जो ऐसे बुक्स फैला के स्टडी करने में जो मज़ा आता है ना वो किसी में नहीं आता। और बार ऐसे बुक्स ऐसे फैला के सो जाते हैं, मैं तो बहुत बार ऐसे सो जाती हूँ ऐसे बुक्स फैला के उसके ऊपर, पता नहीं कब मैं सो जाती हूँ पर सो जाती हूँ। आपने बहुत मूवीज़ में भी देखा होगा कि, और लोग कहते भी हैं और लोगों के साथ भी होता है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो हमेशा बुक्स लो, आपको आपको जल्दी नींद आ जाएगी। पर मुझे भी कभार आती है ऐसे नींद बुक्स लेने के बाद, अगर मेरा मन नहीं हो तो पढ़ने का। मैं कब से आपको स्टडी करते हुए दिखा रही हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहीं आगे की पढ़ाई कर रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत पढ़ लिया और मैंने बहुत ज़्यादा डिग्रीज लिए, आपको पता नहीं मैंने मेरे पास कितनी डिग्रीज है, फिर भी कभी बता दूँगी मेरे पास कितनी डिग्रीज है। मैं ऐसे ही घर पे हूँ ना, तो ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ पढ़ के, ताकि मुझे वो याद रहे और मैं जैसे मैं भूल ना जाऊँ। बेसिकली मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ और मेरी माइंड कहीं ना कहीं एंगेज हो जाए। ये मेरा बेसिक रीज़न है पढ़ने का। साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और मैं अपना बुक समेट के सोने जाती हूँ।